दोस्तों, क्या आप भी मोमोज बड़े चाव से खाते हैं? तो 2 मिनट ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मोमोज बड़े बड़े रेस्टोरेंट और हमारी गलियों में भी बहुत आसानी से मिल जा रहा है, जिसको बच्चे और बूढ़े बड़े चाव से खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मैदे से बना होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके ज़्यादा सेवन से शरीर में कई तरह की बीमारियाँ लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वहीं इसको खाते हुए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दबाजी में खाने के कारण ये गले में भी फंस सकता है। मैदा से बना होने के कारण ये आसानी से पचता नहीं है, जिससे पाचन तंत्र खराब होने की संभावना होती है और मोटापा बढ़ने की भी संभावना होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि मोमोज खाने से आखिर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल में अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोमोज मैदे का बना होता है। मैदा डायबिटीज को बढ़ाता है। वहीं मोमोज में मिलाए जाने वाला केमिकल और ब्लीच मधुमेह का कारण बन सकता है। इसके साथ ये केमिकल अग्नाशय के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही आटे को नरम करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, जिसमें डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट है कब्ज की समस्या। मोमोज खाने से कब्ज की समस्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि अधिकतर मोमोज को मैदा से बनाया जाता है, जो पेट की आंतों में जाकर चिपक जाता है और कब्ज की समस्या को भी बढ़ाता है। कई बार ठीक से न पकने के कारण भी डायरिया की समस्या हो सकती है। ज़्यादा मोमोज खाने से शरीर को कई तरह से नुकसान हो सकते हैं, ऐसे में इनको ज़्यादा खाने से बचें। नेक्स्ट है बवासीर की समस्या। जैसा कि आप जानते हैं, मोमोज मैदे का बना होता है, जो कि पायल्स की समस्या को बढ़ा सकता है। वहीं इसके साथ मिलने वाली तीखी चटनी, जो लाल मिर्च से बनी होती है, इसके खाने से भी पायल्स बढ़ सकती है। ये दोनों चीज़ें पेट में जाकर नुकसान करने के साथ बवासीर की समस्या बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।